जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था? बिहार दल का नेता क्या पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप था, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। घोषणा मत देना ना, तुम मत देना, तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा, देख लो, अरे देखो ना पीछे अगल बगल देखो ना। लेकिन आप जान लीजिए, ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए दोस्तों, सुन लिया ना? जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। बकवास ही बोल रहा है, बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता क्या पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप था, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से आप सुनो ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज 4 सीटर है, सदन का शांति बनाइए, माननीय सदस्यगण, यह सब बर्दाश्त के बाहर। अगर आपने डिमांड किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता सदन बोले, अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करवाया, धन्यवाद। तब हाथ उठा करके बता रहे हैं कि जिताएंगे इनको, तीर छाप के बगल का बटन पा करके। तो ना मत देना ना, तुम मत देना, तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा, देख लो, अरे देखो ना पीछे अगल बगल देखो ना, देख लो, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग, तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे। साथ अपराध की तुलना मत करिए, अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद वो सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। हमको पता नहीं है, बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? मेरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, मेरा हाथ उठाओ। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए दोस्तों, सुन लिया ना? जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे,
वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी, आज यहां पर आए हो।